नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथे। अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ही जनता को 7 बड़ी योजनाएं देकर दोबारा प्रदेश की सत्ता में लौटने की कोशिश की है। प्रदेश में आगामी दिनों में हो रहे विधानसभा चुनावों में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक का मामला देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। प्रदेश में पिछले 4.5 साल में हुए लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने सरकार की जमकर किरकिरी की है। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल की भरपूर कोशिश की, अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, पेपर लीक मामले में फांसी तक देने का कानून बनाया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। राज्य से निकलकर पेपर लीक देश भर में राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। सबसे ज्यादा संख्या वाले युवा वोटर्स की नाराजगी कांग्रेस सरकार के लिए चुनाव में बड़ा नुकसान करेगी। युवाओं में इसको लेकर छाए आक्रोश को शांत करना गहलोत के लिए टेढ़ी खीर होगा। दूसरी ओर बात करें थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर की, तो सीएम अशोक गहलोत के लिए मुद्दा भी चुनावी दंगल में भारी पड़ेगा। 2 लाख से ज्यादा थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन हाथ कुछ नहीं निकला। थर्ड ग्रेड टीचर्स की नाराजगी गहलोत सरकार की हार का बहुत बड़ा कारण साबित होगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। थर्ड ग्रेड टीचर्स कोरोना के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा के फैसले के खिलाफ और लामबंद हो गए थे। चुनाव के इंतजार में बैठी टीचर्स इस बार वोट से सरकार को चोट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट्स की नाराजगी अब विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।